देखिएगा मैनिफेस्टो, 60% देश के युवा हैं, युवाओं के बारे में कोई जिक्र नहीं है। 80% किसान हैं, 80% किसानों के बारे में जिक्र नहीं है। कितना नौकरी देंगे नहीं देंगे इसके बारे में कोई चर्चा रोजगार की नौकरी की नहीं है। बिहार जैसे गरीब प्रदेश, बिहार के साथ साथ और जितने गरीब प्रदेश हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, केवल इधर उधर की बातें हैं। तो हमारा मानना है कि उसमें बताइए बिहार के लिए क्या है। हम तो आप ही लोगों से पूछते हैं, मैनिफेस्टो देखे होंगे, बिहार की जनता के लिए क्या है उसमें? ना स्पेशल पैकेज का जिक्र किया गया, ना बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देने का जिक्र किया गया। कैसे हम बिहार को आगे बढ़ाएंगे? और गरीब प्रदेश जैसे बिहार के हैं उनको कैसे बढ़ाएंगे? किसान युवा के लिए क्या करेंगे? तो इसका तो कोई जिक्र ही नहीं किया गया है। ना महंगाई कैसे खत्म करेंगे इसके बारे में कोई जिक्र है। तो बता दीजिए कि जो महंगाई है, गरीबी को कैसे खत्म करेंगे इसके बारे में भी कोई जिक्र नहीं है। और हालांकि बीजेपी के लोगों ने क्या क्या नहीं कहा है 10 सालों में और क्या क्या किया है वो सबको पता है। राशन भी 5 साल फिर बढ़ाया गया है, राशन भी गरीब जो लोगों को मिलता था। अरे भाई, वो को भी आपको राशन कब से मिल रहा है? फूड सिक्योरिटी बिल कब आया था? फूड सिक्योरिटी बिल कब आया था? कांग्रेस का जमाने से। ये क्या अलग से क्या कर रहे हैं? खाली नाम बदल देना है, स्कीम का नाम बदल देना है और बिहार जैसे राज्यों पर भार डाल देना है। आप बताओ ना, जितनी केंद्रीय योजनाएं हैं पहले राज्य सरकारों को 10% देना पड़ता था, आज 50-50 देना पड़ रहा है। तो बिहार जैसे गरीब राज्य के लिए क्या स्पेशल है? हमारे राज्यों पर तो और भार दे दिया गया और ये बात हमने मुख्यमंत्री भी कहते हैं, कितनी बार कहा गया है, तो उसके लिए क्या किए? देखिएगा मैनिफेस्टो, 60% देश के युवा हैं, युवाओं के बारे में कोई जिक्र नहीं है। 80% किसान हैं, 80% किसानों के बारे में जिक्र नहीं है। कितना नौकरी देंगे नहीं देंगे इसके बारे में कोई चर्चा रोजगार की नौकरी की नहीं है। बिहार जैसे गरीब प्रदेश, बिहार के साथ साथ और जितने गरीब प्रदेश हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, केवल इधर उधर की बातें हैं। तो हमारा मानना है कि उसमें बताइए बिहार के लिए क्या है। हम तो आप ही लोगों से पूछते हैं, मैनिफेस्टो देखे होंगे, बिहार की जनता के लिए क्या है उसमें? ना स्पेशल पैकेज का जिक्र किया गया, ना बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देने का जिक्र किया गया। कैसे हम बिहार को आगे बढ़ाएंगे? और गरीब प्रदेश जैसे बिहार के हैं उनको कैसे बढ़ाएंगे? किसान युवा के लिए क्या करेंगे? तो इसका तो कोई जिक्र ही नहीं किया गया है। ना महंगाई कैसे खत्म करेंगे इसके बारे में कोई जिक्र है। तो बता दीजिए कि जो महंगाई है, गरीबी को कैसे खत्म करेंगे इसके बारे में भी कोई जिक्र नहीं है। और हालांकि बीजेपी के लोगों ने क्या क्या नहीं कहा है 10 सालों में और क्या क्या किया है वो सबको पता है। राशन भी 5 साल फिर बढ़ाया गया है, राशन भी गरीब जो लोगों को मिलता था। अरे भाई, वो को भी आपको राशन कब से मिल रहा है? फूड सिक्योरिटी बिल कब आया था? फूड सिक्योरिटी बिल कब आया था? कांग्रेस का जमाने से। ये क्या अलग से क्या कर रहे हैं? खाली नाम बदल देना है, स्कीम का नाम बदल देना है और बिहार जैसे राज्यों पर भार डाल देना है। आप बताओ ना, जितनी केंद्रीय योजनाएं हैं पहले राज्य सरकारों को 10% देना पड़ता था, आज 50-50 देना पड़ रहा है। तो बिहार जैसे गरीब राज्य के लिए क्या स्पेशल है? हमारे राज्यों पर तो और भार दे दिया गया और ये बात हमने मुख्यमंत्री भी कहते हैं, कितनी बार कहा गया है, तो उसके लिए क्या किए?